ये स्टूडेंट हम इस अंडरस्टैंड कर रहे हैं वर्क के कॉन्सेप्ट को हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर एलेवन वर्क एंड एनर्जी तो क्या साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है वर्क का इस बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था हमने देखा था कि जब कोई ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाई किया जाते हैं तो उसमें एक क्या होता है डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है तब हमें पता चलता है कि ऑब्जेक्ट में कुछ वर्क हो रहे हैं ठीक है एक्टिविटी एलेवन पॉइंट टू में आपको क्या दिया है थिंक ऑफ सम सिचुएसन फ्रॉम योर डेली लाइफ इन्वॉल्विंग वर्क अपने जो डेली लाइफ है उसमें आप कौन कौन से काम करते हैं उनको क्या करना है आपने सोचना है और उन्हें लिस्ट बनानी है उनकी डिस डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स वेद वर्क इज़ बींग डन इन ई सिचुएसन और अपने दोस्तों की हेल्प से आपने उनमें से जो वर्क जहाँ पर हो रहा है उनको सेपरेट करना है ट्राई टू रीज़न आउट यूअर रिस्पॉन्स और अपने रिस्पॉन्स के लिए क्या रीजन्स हैं आपके उनको भी आपने क्लियर करना है इफ़ वर्क इज डन विच इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट अगर वर्क डन हो रहा है जिस भी सिचुएशन में तो वहाँ पर फोर्स किस किस ऑब्जेक्ट में एक्टोर है ठीक है इस बात को आपने समझना है व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज डन और ऑब्जेक्ट कौन सा है जिसमें वर्क डन किया जाना है व्हाट हैपन टू द ऑब्जेक्ट ऑन विच वर्क इज डन तो ये प्राइमरी क्वेश्चन वही वाले क्वेश्चन हैं जो हमने पहले इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले पढ़े थे ठीक है थिंक ऑफ द सिचुएसन वैन द ऑब्जेक्ट इज नॉट डिस्प्लेड इन स्पाइट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट उस सिचुएसन के बारे में सोचना है जहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट में फोर्स तो लगाया लेकिन उसमें कोई भी डिसप्लेसमेंट हमें देखने को नहीं मिला ऑल्सो थिंक ऑफ सिचुएसन वैन एन ऑब्जेक्ट गेट डिसप्लेस इन दबसेंस ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट और ऐसे सिचुएसन के बारे में भी आपने सोचना है जब कोई ऑब्जेक्ट बिना फोर्स के क्या हो रही है डिसप्लेस्ड हो रही है लिस्ट ऑल द स्टेशनरी दैट यू कैन थिंक ऑफ फॉर ईच डिस्कस विद योर फ्रेंड वेदर वर्क इज डन इन दिस सिचुएशन वर्क डन बाय अंस्टेंट फोर्स वर्क डन किसके द्वारा होता है एक कांस्टेंट फोर्स को अप्लाई करने से होता है हाउ इज वर्क डिफाइन इन साइंस टू अंडरस्टैंड दिस वी सेल फर्स्ट case द केस force द फोर्स इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ let लेट consider uh, let लेट अ force फोर्स एफ एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट लेट द ऑब्जेक्ट इज through अ डिस्टेंस एस आपने सोचना है एक कांस्टेंट फोर्स के बारे में जो एफ है और वो एक्ट कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट में जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एस तक ठीक है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और वो की हो रहे है, हो रहे हैं जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स को अप्लाई किया था वहाँ से वो उसी डायरेक्शन में हो रहे है ठीक है वी डिफाइन वर्क टू द इक्वल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिसप्लेसमेंट तो हम यहाँ पर वर्क को कैसे डिनोट कर सकते हैं हम डिनोट कर सकते हैं वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू एस ठीक है थर्ड द वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो वर्क डन है वो किसके इक्वल होता है जितना फोर्स उस ऑब्जेक्ट में एक्ट होता है उसके मैग्नीट्यूड को जब मल्टीप्लाई किया जाता है डिस्टेंस जितनी डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट कवर करता है उसके साथ तो हम बता सकते हैं कि फोर्स कितना लगे सॉरी कितना डन हुआ है वर्क है ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन वर्क के पास क्या होता है केवल एक मैग्नीट्यूड होता है उसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होती डायरेक्शन किसकी होती है डायरेक्शन फोर्स की होती है इन इक्वेसन एलेवन पॉइंट वन इफ़ एफ इक्वल टू वन ठीक है अगर फोर्स एक न्यूटन का लगा हो और एस जो है वो एक मीटर हो यानी कि जो डिसप्लेसमेंट है वो, वो वन मीटर के हैं दैन द वर्क डन बाय द फोर्स विल भी वन न्यूटन मीटर तब क्या होगा जो फोर्स अप्लाई होगा या जो वर्क डन होगा ऑब्जेक्ट में वो कितना होगा वन न्यूटन मीटर होगा हेट द यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर और जूल या फिर हम न्यूटन मीटर को क्या भी लिखते हैं जूल भी लिखते हैं दू वन जूल ऑफ द अमाउंट ऑफ वर्क दन ऑन एन ऑब्जेक्ट वेन अ फोर्स ऑफ वन न्यूटन डिसप्लेस इट वन मीटर अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तो हम बोलेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट में वन जूल का वर्क हुआ है जब उसमें क्या हुआ है वन न्यूटन का फोर्स अप्लाई हुआ है और उसमें वन मीटर का क्या हुआ है डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला है ठीक है अगर किसी ऑब्जेक्ट में वन न्यूटन फोर्स अप्लाई किया जाए और उसमें वन मीटर क्या हो डिस्प्लेसमेंट हो तो हम बोलेंगे जो वर्क डन है वो कितना है वन झूल है ठीक है आ गया होगा समझ में लुक एट इक्वेशन इलेवन पॉइंट वन केयरफुली वट वट इज द वर्क डन व्हेन द फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इज जीरो इलेवन पॉइंट वन जो आपका अभी हमने देखा एफ इक्वल इक्वल टू क्या है एफ इन टू एस है ठीक है इसमें क्या बोल रहे हैं वेन द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज zero, जहाँ जहां पर एफ इक्वल टू क्या है जीरो है तो डब्ल्यू इक्वल टू भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ठीक है वट वुड भी द वर्कन वैन द डिसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ज़ीरो और अगर हम डिसमेंट को displacement की जगह अगर हम रख दें क्या जीरो तो वर्क भी क्या हो जाएगा वर्क इक्वल टू भी ज़ीरो हो जाएगा रिफर टू तो दंडीशंस दैट आर सेटिस्फाइड टू से दैट वर्क इज डन तो इससे हमें इस बात का पता चलेगा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स या फिर डिस्प्लेसमेंट की क्वांटिटी जीरो है तो उसमें कोई भी वर्क डन नहीं किया गया है ठीक है एक एग्जांपल दिया है आपको यहाँ पर इसको आपने स्वयं देखना है कंसिडर अनदर सिचुएसन इन विच द फोर्स एंड द डिसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन अ बेबी पुलिंग अ टॉय कार पैल टू ग्राउंड ए सोन इन फिगर फोर्टीन पॉइंट वन में आपको दिया गया है कोई बच्चा एक कार को क्या कर रहा है पुल कर रहा है द बेबी हैज एग्जॉटेड अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट क्योंकि जिस डायरेक्शन में बच्चा फोर्स अप्लाई कर रहा है ठीक है यहाँ पर कोई एक बच्चा खड़ा है और वो क्या कर रहा है वो इस कार को क्या कर रहा है अपनी ओर खींच रहे है ठीक है तो अपनी ओर खींचने के लिए उसकी डायरेक्शन भी कहा है जिस डायरेक्शन में वो चल रहा है उसी डायरेक्शन में वो कार को भी मूव करा है ठीक है दिस इन दिस सिचुएशन द वर्क डन विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिसप्लेसमेंट इन सच सिचुएशन द वर्क डन बाय द फोर्स इज टेकन एज पॉजिटिव क्योंकि यहाँ पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे पॉजिटिव वर्क ठीक है जैसे हम आ, किसी कार को पीछे से धक्का दे रहे हैं ठीक है और उस कार की जो डायरेक्शन है यानी कि वो जहाँ को मूव हो रही होगी उसी डायरेक्शन में हम उसे क्या कर रहे हैं फोर्स भी अप्लाई कर रहे हैं और हमने किसी कार को पीछे से फोर्स अप्लाई किया और उसका डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ को है आगे की ओर है तो फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है उनकी डायरेक्शन क्या है सेम है तो ऐसे वर्क डन को हम क्या बोलेंगे पॉजिटिव वर्क डन कंसीडर अ सिचुएशन इन विच एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन Now, the uh, re retarding force F is applied in the opposite direction. That is, the angle between the two objects is 180. Let us consider, let us the object stop after a displacement S. In such a situation, the work done by the force F is taken as negative and denoted by the uh, minus sign. This uh, work done by the force is F equal to. एफ़ इंटू माइनस एस और माइनस एफ़ इंटू एस तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट में हमने फोर्स लगाया और वो जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर वो जा रही है हमने माना इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया लेकिन जो ऑब्जेक्ट का मोशन है वो कहाँ है इस डायरेक्शन में दोनों तो की फोर्स की डायरेक्शन भी अलग है और डिस्प्लेसमेंट की भी डायरेक्शन अलग है तो ऐसे वर्क को हम क्या बोलते हैं नेगेटिव वर्क ठीक है तो ऐसी कंडीशन में या तो हम माइनस एफ इंटू एस कर सकते हैं या फिर एफ इंटू माइनस एस भी कर सकते हैं इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबब डिस्कशन दैट वर्क डन बाय अ फोर्स कैन बी एदर पॉजिटिव और नेगेटिव तो इन दोनों कंडीशन से हमें एक बात का तो पता चला कि जो वर्क डन होते हैं ठीक है वो क्या होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है टू अंडरस्टैंड दिस लेटेस्ट डू द फॉलोइंग एक्टिविटी क्या एक्टिविटी दे रखी है आपको लेफ़्ट एन ऑब्जेक्ट है आप एक किसी एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर उठाओ वर्क इज डन बाय द फोर्स एग्जेड बाय यू ऑन द ऑब्जेक्ट आपने क्या किया वर्क डन किया था आपका आपने एक फोर्स एग्जर्ट किया किसके ऊपर ऑब्जेक्टिव के ऊपर द ऑब्जेक्ट मूव अपवर्ड और क्या हुआ हमने ऊपर की ओर फोर्स अप्लाई किया तो जो डिस्प्लेसमेंट था वो भी अपवर्ड था द फोर्स यू एक्सर्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हाउ एवर देयर इज अ फोर्स इज ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट लेकिन जब हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर क्या किया ऊपर की ओर हमने उसे आ, फोर्स लगाया और उसका मोशन ऊपर की ओर है लेकिन यहाँ पर क्या है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसको हमने एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोला था वो क्या हो रहा वो हमेशा नीचे की ओर लगेगा विच वन ऑफ द फोर्स इज़ डूइंग पॉजिटिव वर्क इनमें से कौन सा वर्क है? ये आपका फोर्स है आपने अपने हैंड से लगाया और ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अर्थ लगा रही है तो जो फोर्स आपने लगाया वो तो पॉजिटिव वर्क है क्योंकि जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है डिसप्लेसमेंट भी देखने को मिल रहा है और इसकी अपोजिट है ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा डाउनवर्ड मोशन की ओर लगते हैं और ऑब्जेक्ट का मोशन कहाँ हो रहा है ऊपर की ओर हो रहा है तो जो जी है वो जो डन है अर्थ का वो क्या होगा निगेटिव होगा और जो आपका डन है वो पॉजिटिव होगा वर्क डन इज़ नेगेटिव वैन द फोर्स एक्ट एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिसप्लेसमेंट ठीक है वर्क डन तब नेगेटिव होता है जब फोर्स एक्ट होता है अपोजिट डायरेक्शन में डिसप्लेसमेंट के वर्क डन इज़ पॉजिटिव वैन द फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिसप्लेसमेंट और वर्क डन तब पॉजिटिव होता है जब आपका जो वर्क है फोर्स है वो डिसप्लेसमेंट की डायरेक्शन में लगे यहाँ पर आपको फिर से क्वेश्चन दे रखे हैं अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे थैंक यू